बुजुर्गों का जो सम्मान करेगा, अपने समाज की महिला बच्चों का सम्मान करेगा और अपने पूजा स्थलों का सम्मान करेगा, अपने संत महापुरुषों को सम्मान करेगा, उनकी विचारधारा को याद करेगा, तो उस आदमी पे कभी कोई भी अपना अधिकार जमा नहीं सकता। उस राज्य को, जो राज्य इस प्रचलन में होगा, इस व्यवहार में होगा, इस थ्योरी पर चलेगा, उस राज्य पर भी कोई अपना कब्जा कर नहीं सकेगा, राज्य को जीत नहीं सकेगा। तो आज बिल्कुल ये तथागत का दिया हुआ सिद्धांत, तो मैं अब तक जो मैंने चर्चा की कि तथागत का वो सिद्धांत कि अजात शत्रु के भेजे हुए वर्षाकार ब्राह्मण जो उनका महामंत्री था, बज्जियों पर राज कायम करने के लिए जानकारी लेने के लिए आया, लेकिन तथागत ने उनको सीधी बात न करके पूरा का पूरा सिद्धांत उनके जो परम शिष्य थे, अपने परम शिष्य आनंद को समझाया कि बुजुर्गों का जो सम्मान करेगा, अपने समाज की महिला बच्चों का सम्मान करेगा और अपने पूजा स्थलों का सम्मान करेगा, अपने संत महापुरुषों को सम्मान करेगा, उनकी विचारधारा को याद करेगा, तो उस आदमी पे कभी कोई भी अपना अधिकार जमा नहीं सकता। उस राज्य को, जो राज्य इस प्रचलन में होगा, इस व्यवहार में होगा, इस थ्योरी पर चलेगा, उस राज्य पर भी कोई अपना कब्जा कर नहीं सकेगा, राज्य को जीत नहीं सकेगा। तो आज बिल्कुल ये तथागत का दिया हुआ सिद्धांत मुझे आवश्यकता प्रतीत हो रही है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत को लागू करने के लिए बहुजनों को तथागत के सिद्धांत को जान लेना चाहिए और आपस में प्रेम भाव रख करके, भाईचारा पैदा करके, बच्चों को सम्मान देते हुए, बुजुर्गों को सम्मान देते हुए, बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठाते हुए, आज बहुजनों पर अगर कोई सत्ता कायम करना चाहता है, उनको गुलाम बनाना चाहता है, तो उस गुलामी से बचाया जा सकता है। तो तथागत के सिद्धांत तो सारे के सारे वंदनीय पूजनीय रोजाना 365 दिन की जिंदगी के लिए आवश्यक है ही हैं। जब राजनीतिक क्षेत्र में भी जाते हैं तो आज बहुजनों के लिए तथागत का दिया हुआ ये सिद्धांत, बज्जी लोगों की ये चर्चा, लिच्छवी प्रांत का ये उदाहरण, मगध प्रदेश के अजात शत्रु का ये उदाहरण, तभी तो अजात शत्रु को तुलना कर दी वाजपेयी साहब से। तो आज मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि जब आप लोक कल्याण चाहते हो, बहुजनों का कल्याण चाहते हो, तो छोड़िएगा इधर उधर की बातें, तथागत के दिए हुए सिद्धांत का चरित्र बना करके अपने समाज की बहन बेटियों की इज्जत करते हुए, छोटे छोटे प्यारे बच्चों को पूरा प्रेम भरा व्यवहार देते हुए, और जो उम्र में बड़े हैं उनके तजुर्बे का लाभ लेते हुए आइएगा, बढ़ते हैं शासन प्रशासन की ओर। और ये सिद्धांत तथागत का दिया हुआ आज भी नितांत आवश्यक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद SM न्यूज़ का कि मुझे मौका दिया। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।